दीपदान की। कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है, ऐसे में हर दिन दीपदान करने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा पंडित जी, ये तो आप बताइए, और कैसे करें दीपदान? देखो विपनेश, ऐसा है कि अषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु शयन की अवस्था में चले जाते हैं जी, और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनोत्सव मतलब श्रीहरि जागते हैं, श्रीहरि जागते हैं। इन चार महीनों तक सनातन धर्म में सारे शुभ कार्यों पर रोक हो जाती है, जैसे विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब जितने कर्म होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। संत महात्मा, साधु संत एकांत स्थान लेकर के और इन चार महीनों में कहीं भ्रमण नहीं करते हैं, बल्कि एक स्थान पर रह करके चौमासा व्यतीत करते हैं और भगवान की भजन करते हैं। और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रीहरि जब जगते हैं तो उनका तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है। शालिग्राम की शिला का तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है, और तुलसी विवाह होते ही एक अबूझ मुहूर्त बन जाता है, जिस दिन सब लोग अपने लड़के लड़कियों की शादी कर सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है जी। तो कार्तिक का महीना कई मामलों में बहुत अतुलनीय है, जैसे महालक्ष्मी की उपासना के लिए तो है ही है, कुबेर की उपासना के लिए है ही है, सरस्वती की उपासना के लिए है ही है, ठीक है, विश्वकर्मा की उपासना के लिए है ही है, साथ में श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार हैं वो सोकर उठते हैं इस महीने में, और तुलसी के साथ उनका विवाह होता है, ठीक है। तो इसके साथ सभी जो शुभ काम है वो आप कर सकते हैं, शादी शुरू हो जाता है, सारा शुभ कार्य, सब कुछ, सब कुछ। अच्छा, मतलब सब सारे शुभ कार्य सनातन धर्म के, जितने भी सनातन धर्म के शुभ कार्य हैं, सारे कार्यों की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू हो जाता है जी। तो कहने का मतलब ये महीना अपने आप में अद्भुत है हम सनातनियों के लिए। तो कार्तिक मास में सोमवार को दीपक जलाने से मन का डर, क्रोध और चिंताएं दूर होती हैं, त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। अगर आप शिवालय में जाकर के और शाम को सोमवार को घी का दिया जलाइए, और पूरे कार्तिक महीने हर सोमवार को शिवालय में जाके घी का दिया जलाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप रोग शोक से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरों से खुद को जो लोग नीचा समझते हैं और जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, ऐसी सोच भी समाप्त होती है। कार्तिक के महीने में मंगलवार को घर में दीपक जलाने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन में कलेश खत्म होता है, केतु ग्रह के कारण आ रहा संकट दूर होता है। केतु ग्रह के कारण जानते हैं क्या संकट आता है? एक तो एंजाइटी की समस्या होती है, दूसरे ब्रेन से संबंधित समस्या होती है, चाहे ब्रेन हेमरेज हो और चाहे क्लॉटिंग की समस्या हो, बिना केतु के कोई ये रोग नहीं हो सकता, केतु ही ये सब रोग देता है। और कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके, बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करके आप केतु के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, और बुधवार के दिन अपने घर में दीपक जलाने से बीमारियां समाप्त होती हैं, और सही समय पर गंभीर बीमारियों का पता चल जाता है, जिससे उसका इलाज संभव हो पाता है। कार्तिक मास में बुधवार को दीपक जलाने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में रुकावट नहीं आती है, और जीवन में अच्छे दोस्तों का साथ मिलता है। जो लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हुए और 108 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कोई भी कंपटीशनर लड़का, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे UPPCS का एग्ज़ाम देने जा रहा हो, चाहे किसी राज्य के प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में हो, अगर वो 108 बार कार्तिक के महीने में बुधवार के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर ले,
तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा का प्रादुर्भाव होगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। तो कार्तिक मास में गुरुवार को घर में दीपक जलाने से संतान सुख मिलता है, घर में खुशी का माहौल रहता है और अविवाहित लोगों के शादी के भी योग बनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।